बताया ना कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे पहली बात तो ये कि ब्लैक मनी आया और ब्लैक मनी कहाँ स्पेंड हुआ इस बात की आज तक एविडेंस आई नहीं छः छः आठ आठ महीने से इन्होंने नेताओं को अरेस्ट कर रखा है ट्रायल शुरू नहीं हुआ है नोटिस चार्जेज फ्रेम नहीं हुए हैं कोर्ट में जब जिस दिन ट्रायल पर केस आएगा उस दिन आप देखेंगे कि ये केस कोर्ट में कितने नहीं जा रहा है आम आदमी पार्टी को डराना धमकाना केसेस लगाना चीफ मिनिस्टर पे दूसरे मिनिस्टर पे शराब घोटाला ये एलिगेशन चलते रहेंगे लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी और दूसरी जो आम जनता के लिए सुविधाएं हैं उन पर जोर देती रही है और आगे भी जोर देती रहेगी आज हमारे साथ है बीएस जून जी विधायक बिजवासन क्षेत्र आम आदमी पार्टी से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका सफ़र रहा है जो जर्नी रही है आपकी एक वकील से आज विधायक आम आदमी पार्टी की तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा वो सफ़र यहाँ तक का बेसिकली मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था दिल्ली गवर्नमेंट में okay. तो दो तक मैं सर्विस में रहा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन उसके बाद मैंने अपना खुद का काम शुरू किया एज ए लॉयर 2018 में अरविंद जी ने कहा कि आप पार्टी के काम देखना शुरू करो लीगल जो इश्यूज हैं मैंने उनको देखना शुरू किया फिर उन्होंने कहा कि आप बिजवासन विधानसभा में बड़ा वैक्यूम है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करो फिर मैं इधर भेज दिया गया 2020 में उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं मैंने कहा अगर आप कहेंगे तो ज़रूर लड़ेंगे तो उन्होंने उनके ब्लैसिंग से जो है मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं इलेक्ट हो गया तो इस तरह से मैं राजनीति में मेरी फ़र्स्ट एंट्री हुई

विधायक थे एम थे आम आदमी पार्टी के वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले तो उन्होंने काम वो नहीं करवा पाए जितना होना चाहिए था ऑलमोस्ट पाँच साल में शायद ही कोई काम इस कॉन्स्टिचुएंसी में हुआ हो okay. तो मैंने आने के बाद ये सारा टेकअप किया मेरे आने के बाद आज के दिन मैक्सिमम बोरवेल्स क्योंकि यहाँ पे पानी की बड़ी शॉर्टेज है मैक्सिमम बोरवेल्स मैंने अपनी विधानसभा में कराए अप्रॉक्सीमेटली साठ से सत्तर बोरवेल्स मैंने करवाए महिपालपुर वार्ड में जो है मैंने एक अंडरग्राउंड रिजर्वायर था जो बना था यू उसको स्टार्ट करवाया एक रिजर्वायर बिजवासन गांव में अभी शुरू होने वाला दो तीन महीने में राजनगर में जो है पूरी सप्लाई नॉर्मल की राजनगर में शीवर की बड़ी भारी प्रॉब्लम थी उसको सुचारू रूप से चालू किया बाकी जितनी भी रोड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी सेंटर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज और जो गांव की पंचायतों घर हैं या चौपाल्स हैं उनको सारे को रेनोवेट या रिकन्स्ट्रक्ट किया तो बहुत सारा काम किया और अभी बहुत सारा काम पेंडिंग भी है जी बिल्कुल और अगर हम बात करें हेल्थ और एजुकेशन के बारे में हम जानते हैं कि जो पार्टी है हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न रहती है एजुकेशन को लेकर बहुत कंसर्न रहती है तो इसमें किस तरह के बदलाव किए गए हैं ट्वेंटी हमारा जो टोटल बजट है उसका हम एजुकेशन पर स्पेंड कर रहे हैं मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज के दिन बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हमने तैयार किए हैं और अब जैसे एनअल डे फंक्शंस पे मैं जाता हूँ तो ऑल टुगेदर पिक्चर चेंज हो चुकी है गवर्नमेंट स्कूल्स की एक बिजनेस ब्लास्टर कोर्स है उसमें लड़कों के जो एक्सपोजर मिला है जो उन्होंने अलग अलग से छोटे छोड़ छोटे बिजनेस में जो इंटरेस्ट शो किया है उससे इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा स्कूल में एजुकेशन स्टैंडर्ड में आया है टीचर्स बड़े अच्छे हो गए हैं उनकी ट्रेनिंग कराई गई दिल्ली सरकार के द्वारा तो स्कूल्स जो हैं वो एट पार विद प्राइवेट जो स्कूल्स या पब्लिक स्कूल्स होते थे उनको लेवल में आ गए हैं एक स्कूल ऑफ एक्सलेंस है वो तो मोर देन प्राइवेट स्कूल्स हैं तो हम देखते हैं आजकल तो जो थोड़े गरीब लोग होते हैं बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए थोड़ा इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है तो उनको किस तरह से आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सभी को सही एजुकेशन मिले शुरू में कोरोना के टाइम कुछ रेट में डाउन आया था जो एडमिशन रेट था या अटेंडेंस थी वो कम हुई थी लेकिन कोरोना के बाद एक जागरूकता लोगों में लेके आई अब ऐसा नहीं है गरीब लोग जो हैं वो भी सोच रहे हैं कि अच्छे स्कूल्स में हमें एडमिशन मिल रहा है उनके बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो गरीब लोगों के बच्चे भी अब अच्छे अच्छे स्कूल्स में आ रहे हैं डीपीएस है प्राइवेट स्कूल्स हैं ई कैटेगरी में हम उनको एडमिशन दिलवा रहे हैं okay. तो ऐसा नहीं है कि गरीब गरीबों के बच्चे नहीं आ रहे अगर प्राइवेट स्कूल में EWS में कैटेगरी में उनका नंबर आता है उसमें आते हैं नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी एट पार है और उतना ही ब्रिलियंट स्कूल्स है और बच्चे आगे आ रहे हैं ओके okay. अब बात करते हैं ओल्ड एज के बारे में अब जैसे ओल्ड एज में अब सबको जरूरत होती है पेंशन की जरूरत होती है या उन मतलब एक अकेलापन होता है जो ओल्ड एज के लोग होते हैं तो उनके लिए किस तरह की फैसिलिटीज या क्या कदम उठा रही है आम आदमी पार्टी ओल्ड एज पिछले चार या पाँच साल से ओल्ड एज पेंशन दिल्ली में बननी बंद है उसका रीज़न है कि पहले के सालों में बहुत ज़्यादा बंगलिंग हुई एम की भी पेंशन लोग ले रहे थे दिल्ली सरकार की भी ले रहे थे डबल पेंशन ले रहे थे तो उसका एक स्क्रूटनी अभी पेंडिंग है जो प्रोसेस में है उसको ख़त्म करके और शायद है ये जो पंद्रह तारीख से बजट सेशन शुरू हो रहा है दिल्ली असम्बली का उसके बाद सब बात हो सकता है कि ओल्ड एज पेंशन री स्टार्ट हो ये बात ज़रूर है कि आज के दिन बहुत से लोग उसका वेट कर रहे हैं और काफ़ी चार पाँच साल का वेट जो है ना काफ़ी लंबा होता है और हमारी कोशिश है जितना जल्दी शुरू हो सके तो वो हो ओके अब बात करते हैं आप एक ट्रस्ट से जुड़े हैं जिसका नाम है होप अनबुक्स फाउंडेशन इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि वो क्या है किस तरह से जनता के लिए काम करती है अभी दो तीन साल पहले हमने इसको सेटअप किया था मैं उसका डायरेक्टर हूँ okay. और इसका एक ही पर्पज़ है एन है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जो नीडी पीपल हैं या जो हमारे जे जे क्लस्टर्स में लोग रह रहे हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको फाइनेंशियल एड नहीं दे सकते अच्छे एजुकेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए या कुछ विकलांग लोग हैं जैसे किसी को साइकल ट्राईसाइकल जो होता है वो देने के लिए या इक्विपमेंट्स कोई दूसरा देना हो किसी को फ्रूट कार्ड देनी हो ये चीज़ें हम शुरू किया है हमने और जो जी कंपनी है एयरपोर्ट डायल की उससे मिलके हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और लोगों की जो भी ज़रूरत हो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं बट वो नीडी पीपल होने चाहिए और ये जरूर देखते हैं कि मतलब बिल्कुल लोअर जो स्टे स्टेटा है सोसाइटी का उससे वो लोग आएँ तो आ, सर जैसे कि अब हम सभी जानते हैं चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के 2024 के तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर ये जो पिछली लोकसभा में और इस लोकसभा में ये जो चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं देखिए शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी जी। ये आम आदमी पार्टी का यूएसपी है और इसको चाहे कोई भी पार्टी हो दिल्ली में बीजेपी हो दूसरी पार्टियां हो कांग्रेस हो वो सब मानते हैं कि इस फील्ड में इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और पब्लिक भी ये जानती है कि पिछले दस साल में या नौ साल में जितना काम इन चार क्षेत्रों में हुआ शायद ही पहले कभी हुआ हो हु। उसके अलावा जैसे हम तीर्थ यात्रा कराते हैं बुज़ुर्ग महिलाओं को या पुरुषों को जो साठ साल के ऊपर हैं वो एक बड़ी पॉपुलर स्कीम है दिल्ली सरकार की अभी मंडे को ही मेरे यहाँ से सेवनटी पिलग्रिम्स जो हैं वो रामेश्वरम की यात्रा पे जाएंगे तो हर महीने एक या दो ट्रेनें जाती हैं और हम उसमें आदमी भेजते हैं तो लोगों को मालूम है कि कौन सी पार्टी उनके वेलफ़ेयर के लिए काम कर रही है कौन सी पार्टी उनके वेलफ़ेयर के लिए काम नहीं कर रही है हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगता था कि हम सब कुछ फ्री देते हैं फ्री देते हैं ये करते हैं लेकिन आपने पिछले इस मध्य प्रदेश चुनाव में देखा होगा क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ बिजली फ्री का वायदा हुआ सिलेंडर कम करने का वायदा हुआ पानी फ्री का वायदा हुआ तो ये फ्री फ्री अब आज हर आद पोलिटिकल पार्टी इस बात को जो समझ गई है कि भाई आपको लोगों को फैसिलिटीज़ तो देनी नहीं पड़ेंगे नहीं। और हम ये मान के चलते हैं कि अगर लोगों टैक्स पेयर्स के पैसे से टैक्स पेयर्स को आप अगर कोई रिलीफ दे रहे हैं फैसिलिटी दे रहे हैं तो फ्री नहीं हो सकता पैसा उस पर भी खर्च खर्च हो रहा है और वो लोगों का अपना पैसा है बिल्कुल और पिछली लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो सात सीटें थी एमपी की वो बीजेपी के तरफ रही तो इस बार ये आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें और कौन कौन सी सीट जो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ हो सकती है दिल्ली में शायद अभी ऑलमोस्ट सर्टेन है फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ है हम इत, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे पार्लियामेंट का और जहाँ तक जो खबरें हमें मिल रही हैं शायद चार तीन की रेसों में लड़ेंगे अच्छा। चार आम आदमी पार्टी तीन कांग्रेस okay. और हम यूनाइट होके कोशिश करेंगे कि इस बार वोट स्प्लिट ना हो hmm. और अगर वोट स्प्लिट नहीं हो से होंगे तो आप देखना ये टफ़ कंटेस्ट होगा और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन में जीत पाए hmm. ये जो इंडिया अलाइंस एला, का बदलता हुआ समीकरण है इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे देखिए स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टी के अलग अलग अपने इंटरेस्ट हैं लेकिन दिल्ली में पोजीशन बिल्कुल क्लियर है इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे पार्लियामेंट का अच्छा। जहाँ तक दूसरे स्टेट्स में उत्तर प्रदेश में है बिहार में जो भी कुछ हो रहा है या हुआ है उसका फर्क दिल्ली पे नहीं पड़ने वाला है एम जो है अब आम आदमी पार्टी है तो आपको क्या लगता है ये जो आने वाला ये जो चुनाव है उस पर किस तरह से क्या असर पड़ेगा जब लोग वोट देने के लिए जाएंगे एम में आने के बाद हमने बहुत काम किया अभी आप देखेंगे दिल्ली में जो क्लिननेस है सफाई है उस पर काफ़ी हमारा एम रहा और उसमें कामयाबी भी मिली है सफाई कर्मचारियों की सफाई का सैलरी का इशू था टीचर्स की सैलरी का इशू था हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खास खस्ता थी इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस किया है और उसमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं अभी कल परसों हमने जो है इनके कुछ एम्प्लॉय जो है एम सी डी का रेगुलइज़ भी किया है बट एक माइंड सेट चेंज करने की बात है जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं एम सी डी के उन्होंने अपना माइंडसेट अभी चेंज नहीं किया वो ये मान के चलते हैं आज भी एमसीडी में बीजेपी रूल करती है जबकि वहाँ मेयर हमारे हैं डी सीलिंग के इशू पे हमारी मेयर ने लेटर लिखा बिल भी पास हुआ लेकिन कमिश्नर एम ने आज तो वो डी सीलिंग पर कोई स्टेप नहीं लिया ऐसा लगता है कि जो कमिश्नर और दूसरे डिप्टी कमिश्नर वो अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रभाव में या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रभाव में काम करते हैं और आम आदमी की जो पॉलिसीज़ अच्छी अच्छी उनको फ़ेल करने की कोशिश है उन लोगों की तो जी जो अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 के तो आपको क्या क्या लगता है कि क्या रिजल्ट होगा इसका? मैंने बताया ना कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी पूरी उम्मीद है हु, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप क्या बदलाव देखते हैं पहले और अब के मुकाबले में अगर हम बात करते हैं और आम आदमी पार्टी की आगे जो चुनाव को लेकर या वैसे भी किस तरह की फ्यूचर प्लानिंग्स हैं देखिए जो हमने वो तो आगे बढ़ा ही रहे हैं और आगे बहुत सी मतलब ऐसी समस्याएं बहुत ही वास्ट एरिया बहुत बड़ा एरिया है तो मैं ये नहीं कहता मैंने सारी समस्याएं आगे ख़त्म कर दी हूँ बहुत सारी समस्याएं सबसे बड़ी समस्या ये है, है कि हर गांव में पीने का पानी साफ पानी हो हर एरिया में जो है सीवर लाइन हो अभी मेरे पास तीन ऐसे एरिया जो विलेज रंगपुरी है जो हाईवे पर पड़ता है उसके बाद विलेज शाबाद मोहम्मदपुर है और एक विलेज और है जिनमें आज तक सीवर लाइन नहीं है अभी मैंने डी से कोशिश करके लैंड अलॉट कराई है उसमें से एस बनाने के लिए और उम्मीद है कि इस साल उन गाँव में भी सीवर लाइन डलने का काम शुरू हो जाएगा बाजे करके और ये तो आप एरिया में जाएंगे तो लोग बताएंगे कि इनके आने के बाद कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है शायद ही ऐसा कोई गांव हो या एरिया हो जिसमें हमने कोई काम ना किया हो और आज लोग मानते हैं कि भाई ऐसे ऐसे रास्ते बने जो 20-20 साल से सड़कें नहीं बनी थी तो हमारे जो व्यूवर्स हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अगर चुनाव में जीतते हैं या जो भी रहता है तो किस तरह से आप उनकी आगे मदद करेंगे देखिए आम आदमी पार्टी का मतलब है लोगों की सेवा करना जी। आम आदमी पार्टी को डराना धमकाना केसेस लगाना चीफ मिनिस्टर पे दूसरे मिनिस्टर्स पे शराब घोटाला ये एलिगेशन चलते रहेंगे लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी और दूसरी जो आम जनता के लिए सुविधाएं हैं उन पे जोर देती रही है और आगे भी जोर देती रहेगी लोगों को खुद सोचना है कि कौन सी पार्टी उनके वेलफेयर में है कौन सी पार्टी उनका फ़ायदा करने जा रही है कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी पॉलिसीज़ की वजह से डिसीजन की वजह से उनकी पॉकेट में दो पैसे बचेंगे जी। ऐसी ऐसी स्कीम्स अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने शुरू की हैं जो आज तक पिछले पंद्रह साल में कांग्रेस की सरकार रही उसमें कभी नहीं हुआ तो पहले ये लोग भी कर सकते थे लेकिन नीयत नहीं थी विल पावर नहीं थी नीयत साफ़ नहीं थी और इस वजह से काम नहीं हो पाए आज हर फील्ड में काम हो रहा है क्यों हो रहा है अगर लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन मिल रही तो है तो माँ बाप खुश हैं उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे तरक्की करेंगे उनका समाज तरक्की करेगा तो लोगों को मालूम है कौन सी पार्टी दिल्ली में उनके वेलफेयर में है और उनके भले में है तो सर आप एक वकील हैं तो आपसे आपके कानूनी सलाह पे बस जानना चाहेंगे कि ये जो अभी शराब घोटाले का जो पीछे आ, सारा ये, आ, हुआ है केस इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं देखिए शराब घोटाला जो एलिगेशन है वो क्या है कि ब्लैक मनी इधर से उधर हुआ हुँ. जो कमीशन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर से, से लिया गया और आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता या चीफ मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व थे वो ब्लैक मनी आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ कितना ब्लैक ब्लैक मनी था और वो कहाँ गया कोई रिकवरी नहीं है न मनी के फॉर्म में ना किसी प्रॉपर्टी के फॉर्म में ना किसी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आज तक कोई रिकवरी नहीं हुई पहली बात तो यह कि ब्लैक मनी आया और ब्लैक मनी कहाँ स्पेंड हुआ इस बात की आज तक कोई एविडेंस आई नहीं फिर आते हैं को एक्यूड आपने कुछ बनाए किसी मैन्युफैक्चरर को बनाया किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया और उनकी स्टेटमेंट आपने कोर्ट में करवाई कि जी ये हमारे अप्रूवर हैं वादा माफ़ गवाह बन गए क्या कोई केस आज तक क्रिमिनल लॉ में स्टैंड कर पाया अप्रूवर की स्टेटमेंट पर नहीं कोई कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस उसके लिए चाहिएगी जो कि नहीं है इन द फॉर्म ऑफ रिकवरी या इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एविडेंस वो कुछ भी नहीं आया तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर प्रिलिमिनरी स्टेज है छः छः आठ आठ महीने से इन्होंने नेताओं को अरेस्ट कर रखा है ट्रायल शुरू नहीं हुआ है नोटिस चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं कोर्ट में जब जिस दिन ट्रायल पे केस आएगा उस दिन आप देखेंगे कि ये केस कोर्ट में टिकने नहीं जा रहा है दूसरी बात ये कि सिर्फ इस बात पे कि जी इसका मनी जो है इलेक्शंस में यूज़ हुआ उसकी आज तक कोई एविडेंस नहीं आई किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी ने मुझे गोवा में गुजरात में या पंजाब में पैसा भेजा था और पंजाब में पैसा या इलेक्शंस में पैसा लगा तो कोई ना कोई एविडेंस आनी चाहिए ना अब दूसरी बात बार बार एक आती है कि भाई अगर ऐसी बात है तो आप लोगों की बेल क्यों नहीं हो रही ये एक इशू आता है कि बेल क्यों नहीं मिल रही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो बहुत ही स्ट्रेंजेंट है उसमें तीन कंडीशन होती हैं बेल की नंबर एक जब मैं बेल कोई भी एक्यूट बेल लगाता है तो पहली कंडीशन ये कि उस बेल का एप्लीकेशन का नोटिस आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दोगे वो दिया जाता है दूसरी कंडीशन ये कि जज साहब को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि फ्यूचर में ये आदमी इस आदमी ने ये ऑफेंस किया ही नहीं अब इस परलीमिन स्टेज पर जज साहब को कैसे होगा जब तक ट्रायल शुरू नहीं हो गए विटनेस एग्जामिन नहीं होंगे एंड थर्ड कंडीशन के फ्यूचर में ये आदमी ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं करेगा हु कैन गिव गारंटी ये ऐसी तीन कंडीशन है जो कोई भी फुलफिल नहीं कर पा रहा इस वजह से बेल मिलने में एक से डेढ़ साल इन केसेस में नॉर्मली लगता है इसमें कोई एविडेंस है या नहीं है तो इसको बार बार कहा जाता है अगर कुछ सब्सटेंस नहीं है तो इनकी बेल इसलिए नहीं हो रही कि सब्सटेंस है और अगर सब्सटेंस नहीं होता तो इनको मेल मिल जानी चाहिए थी आप किसी को भी अरेस्ट कर लो चाहे किसी बीजेपी के नेता को अरेस्ट कर लो उसको भी इतना ही समय लगेगा जी तो भूपेंद्र सिंह जून जी हमारे साथ संवाद इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को सभी आम आदमी पार्टी को आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद थैंक यू